गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, अभी क्या हुआ था कि केबीसी आ रहा था, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें क्या हुआ, सोनाक्षी सिन्हा गई थी, ठीक है, उनको बुलाया गया था तो वो गई थी। तो अब जब वो गई ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चन को आप अगर सुनोगे तो इनको आपको ये आइडिया लगेगा कि यार जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं कितने बड़े गंवार होते हैं, और हम लोग क्या है ना यार, इनको देख के पता नहीं इनको अपना आइडियल बना लेते हैं, ये इसके हकदार नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको खुद लगेगा मतलब ये लोग कितने मतलब गंवार होते, इलिटरेट होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, केबीसी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी किसके लिए लाई थी, ठीक है। तो अब इसका एक तो वो आंसर नहीं बता पाई, ठीक है, ऑप्शन ऐसे आदमी को रटा रहता, वो वैसे नहीं बता पाई, ऑप्शन में नहीं बता पाई। ऑप्शन में था राम, सीता और लक्ष्मण और भरत, ठीक है, तो वो इसका ऑप्शन नहीं बता पाई। तो उन्होंने फोनो फ्रेंड लिया, ठीक है, कि लोगों से पूछेंगे। अब देखो एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसका जो घर है, उस घर में उनके वो उनके तीन चाचा हैं और चौथे उनके फादर, सबका नाम सुनो आप, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो उनके फादर का ही नाम है। उनके दो भाई हैं, दोनों भाई का नाम, एक का नाम है लव, एक का नाम है कुश, ठीक है। वो जिस घर में रहती है उस घर का नाम है रामायण। ऐसे माहौल में हो के किसी पर्सन को अगर ये नहीं पता है कि संजीवनी बूटी जो आप लाए गए थे, जो हनुमान जी लाए थे, किसके लिए लाए थे, तो धिक्कार है, धिक्कार ऐसे लोग पे, उनको मतलब मर जाना चाहिए, ठीक है। आपको भाई ये पता होना चाहिए कि राम लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो उनको बचाने के लिए हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी, ठीक है। आप चलो आपका जब क्वेश्चन पूछा गया तो शायद प्रेशर में आप आंसर ना दे पाओ, एक हद तक मान सकते हैं, आप ऑप्शन दे के नहीं मान पाए, बता पा रहे हो। उसके बाद उनके साथ एक लेडी आई थी, वो शायद उन कोई कंपनी की ओनर हैं जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़, उनको तक नहीं पता था भाई साहब। मतलब इंडिया में देखो ये श्योर सी बात है कि उनको नहीं पता होगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसका फ्रेंड भी वैसा ही होता है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि हमको ना ये सेलिब्रिटी और ये गंवार लोगों से कभी ऐसा बनाना नहीं चाहिए यार। गंवार हैं ये लोग, वास्तव में गंवार हैं, ठीक है। ये अगर उस घर में ना पैदा हुए होते तो आज ये किस कंडीशन में होते शायद इनको भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि भाई उस बड़े घर में पैदा हुए हैं तो वो उनको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये रहा आज का, मतलब आपको मैं स्क्रीनशॉट अभी वो लगा दूंगा, आप देख लेना, उसके जब आप ओपन करोगे तो वॉलपेपर पे ही ये क्वेश्चन रहेगा केबीसी का, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये लोग का एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट ये बात है।